हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स आर यू ऑल टुडे आई होप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज जैसे कि आज थर्सडे नाइट है तो कल फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पे वीकेंड होता है तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग थर्सडे को यहाँ पर जितनी भी ग्रॉसरी होती है पूरे वीक में जो भी हमारा यूज़ होता है वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह तो वो हम लोग आज ही जाके शॉपिंग कर लेते हैं उसकी तो आज अभी अभी हमारा प्लान बन रहा है मे बी लूलू जाएँ हम या मे बी आंसर तो इट्स नॉट डिसाइडेड येट तो रास्ते में ही प्लान बनेगा कि कहाँ पे जाना है और फिर वहाँ से जाके ग्रॉसरी पूरी परचेस करेंगे तो अगर हो पाएगा तो फिर आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे वहाँ पे अगर अलाउड होगा अंदर तो मैं वहाँ पे आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे क्या रेट्स में यहाँ पे सामान मिलता है तो लेट्स सी हमारे साथ चलिए आप भी और मिलते हैं फिर मार्केट में ये देखिए यहाँ पर सारे सेक्शंस इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं मैं बाहर से पहले आपको दिखाती हूँ उसके बाद फिर अंदर से दिखाऊंगी यहाँ से आप देखिए ये है इनका एंट्रेंस जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से है एंड देखिए यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सेक्शन दे रखा है देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने दे रखा है यहाँ पे गारमेंट्स एंड फुटवेयर का ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि सबका अलग अलग सेक्शन है तो इससे बहुत ही बेनिफिट होता है अंदर जाके ढूंढना नहीं पड़ता कोई चीज़ देख वी एंटर द मॉल एंड दिस इज़ अ वेजिटेबल सेक्शन देखिए यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स हैं प्राइस भी लगे हुए हैं सबके अलग अलग कंट्रीज़ की सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं एंड यहाँ पे देखिए सारे फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट्स हैं ग्रेप्स हैं स्ट्रॉबेरी हैं सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर अब हम लोग इधर चलते हैं देखिए यहाँ इंडियन कैरट्स भी अवेलेबल हैं आपको इमली भी मिलती है और देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें मिलती नहीं है सारी ही चीज़ अवेलेबल होती हैं बट थोड़ा सा कॉस्ट हाई होती है अब इधर साइड हम आते हैं तो यहाँ पे सारी सॉफ़्ट ड्रिंक्स अवेलेबल है हमारी एंड ये देखिए इधर भी ये सेक्शन है इधर अब इधर साइड आते हैं इधर सारा बेकरी आइटम अवेलेबल है ब्रेड हैं आपके बंस हैं कई कंट्रीज़ की ब्रेड यहाँ पे अवेलेबल होती हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रांड्स हैं अब चलते हैं इधर साइड ये देखिए एग्स का सेक्शन है ब्राउन एग्स हैं आपके और वाइट एग्स हैं और यहाँ पे चीज़ भी देखिए यहाँ पे साइड में इन्होंने लगा रखी है यहाँ पे अब इधर साइड बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए सारी पल्सेज यहाँ पे अवेलेबल है हमें और सारी पल्सेज हैं सारी वैरायटी की तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ पे हम इंडिया में नहीं हैं और ये दाल नहीं मिल रही हमको सारी ही दाल्स यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं और कई कंट्रीज़ से आती हैं एंड ये देख सकते हैं आप एंड इधर साइड आएँगे तो आपका सारे पैक्ड मसाले जो होते हैं ये यहाँ से पूरा लगा रखा है इन्होंने और इधर सब सारे खड़े मसाले हमारे हैं और ये सारे मसाले ज़्यादातर इंडिया से ही आते हैं ज़्यादातर इंडिया के ही मसाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं हाँ। आप इधर साइड बढ़ते हैं तो सारा ये देखिए सारे टाइप के बेसन्स अवेलेबल हैं राइस पाउडर है आपका और रागी पाउडर है सारे टाइप के पाउडर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको और इधर साइड देखेंगे आप सारा राइस का सेक्शन है एंड इधर देखिए हाई इंजॉय कर रहा है साथ में राइस का सेक्शन है यहाँ देखिए इधर पूरा ये राइस है राइस भी आपको सारी वैरायटी के यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं एंड इधर बढ़ते हैं तो हम लोग इधर भी पूरा राइस का ही सेक्शन है सारा नाउ कमिंग टू दिस साइड ये देखिए सारे आपके ऑयल्स अवेलेबल है यहाँ पे और देखिए मस्टर्ड ऑयल का बहुत ही छोटा सा सेक्शन आपको मिलेगा मस्टर्ड ऑयल कम खाते हैं ऑलिव ऑयल यहाँ ज़्यादा चलता है एंड सनफ्लावर ऑयल ज़्यादा चलता है और यहाँ देखिए देसी घी का पूरा सेक्शन अवेलेबल नाउ कमिंग टू किड्स फेवरेट सेक्शन ये देखिए चॉकलेट का सेक्शन है यहाँ पे तो हर तरीके की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं यहाँ देखिए चिप्स भी हमारी अवेलेबल है चिप्स भी ज़्यादातर सारे ब्रांड्स की मिल जाती हैं यहाँ पे और ये टॉफ़ीज़ अवेलेबल है यहाँ पे और इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे सारा आपका कुकीज़ वग़ैरह जो बच्चों को पसंद आती हैं कुकीज़ है आपकी और चॉकलेट्स हैं ये सारा पूरा अवेलेबल है ये देख सकते हैं आपको इंडियन चॉकलेट्स भी यहाँ नाउ कमिंग टू फ्रोज़न आइटम सेक्शन और इधर देखिए सारा आपका पीज़ है आपका कॉर्नस है कैरट्स है स्पिनच है सारी चीज़ें आपको फ्रोजन में भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और देख सकते हैं आप ऊपर भी इन्होंने लगा के रखा है पूरा मिक्सड वेज भी इन्होंने लगा के रखा है पूरा फ्रोज़न है सारा और इसकी इसकी एक्सपायरी भी होती है कि उस एक्सपायरी तक आप अपना इसको यूज़ करिए फ्रिज से निकाल के ये देखिए आपका फिंगर चिप्स वग़ैरह भी आप ये लोग देते हैं फ्रोजन फिंगर चिप्स है समोसा है आपका सारी चीज़ अवेलेबल है फ्रोज़न में यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स हैं सारा अवेलेबल है आगे बढ़ते हैं इधर देखिए सारा आपका ये ऑलिव सेक्शन है ब्लैक ऑलिव्स हैं आपके ग्रीन ऑलिव्स हैं सीडलेस हैं विद सीड्स हैं स्टफ्ड हैं बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है यहाँ पे ऑलिव्स की कोई भी आप ले सकते हैं अब इधर बढ़ते हैं दिस इज़ अ पनीर सेक्शन सारी वैरायटी के पनीर अवेलेबल हैं यहाँ पर देखिए और यहाँ पे कुछ लोग बैचलर्स रहते हैं उनको खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है तो उनके लिए खाना भी यहाँ चीप रेट पर ही मिलता है ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है इधर आते हैं तो फ्रेश मिल्क और फ्रेश कर्ड मिलता है हमें ऑलमोस्ट हमारी ग्रॉसरी वन वीक के लिए पूरी हमने ले ली है नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर हाउस और रात काफ़ी हो चुकी है इसलिए जाके खाना बनाने का तो बिल्कुल मन है नहीं रास्ते में देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ जाके डिनर करते हैं फिर आपसे घर पर मिलती हूँ नाउ वी आर बैक टू आवर हाउस काफ़ी रात हो चुकी है साढ़े होने वाला है बारी हम लोग ने डिनर कर लिया था और एक हफ्ते का पूरा ग्रॉसरी जो भी वो लगता है हम लोगों को तो वो परचेस कर लिया है आज और कल फ्राइडे सैटरडे तो हमारा घूमने वाला डे होता है यस yes, आयु कल हम लोग जाएंगे घूमने क्योंकि पापा की तो छुट्टी है कल तो कल हम लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कहाँ जा रहे हैं फिर वहाँ पे जो भी एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे तो so, अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाय बाय